नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, मुझसे डीएम में काफी लोगों ने एक सवाल पूछा था, काफी लोगों की क्वेरी थी कि सर बोनसेस के लिए या एडसेंस प्रोफाइल फीड के लिए इंस्टाग्राम क्या क्राइटेरिया रख सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो ना तो यार वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप ही के काम की वीडियो है। सारी क्वेरी, आपके मन में जितना भी डाउट है, इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और नया क्राइटेरिया जो है वो भी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका नया क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, क्राइटेरिया शब्द को समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को, जो आप रील वीडियोस जो भी चीज़ आप अपलोड करते हो, उसको ना पूरा करने के लिए, उस पर विज्ञापन लगाने के लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उनका कुछ थ्रेशोल्ड होता है कि भाई आप इतने व्यू ले आओ, इतने फॉलोअर्स बढ़ा लो और तब जाके हम आपके कंटेंट को मोनेटाइज करेंगे। अब ये क्राइटेरिया रखा इसलिए जाता है ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आपके कंटेंट में कुछ दम है, आपके कंटेंट को भी लोग देखना चाह रहे हैं। बस इसके जरिए वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, बंदे के अकाउंट में दम है, क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो भाई कोई बात नहीं, क्राइटेरिया पूरा है तो मोनेटाइज होगा। तो ये जो क्राइटेरिया शब्द है इसको आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब इंस्टाग्राम इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखेगा बोनस के लिए, ये समझने के लिए बस दो मिनट के लिए हम फेसबुक के पेज पे चलते हैं। और फेसबुक के पेज पे चल के मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मेटा कंपनी का ही पार्ट है इंस्टाग्राम और मेटा कंपनी का ही पार्ट है फेसबुक। पहले क्या हुआ करता था, फेसबुक पे जो पेज बनते हैं वो मोनेटाइज होते थे, और पेज को मोनेटाइज करने का जो क्राइटेरिया था ना वो बहुत टफ था, यूट्यूब से भी ज्यादा था। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे आपके एक साल में हो जाने चाहिए, ये क्राइटेरिया। लेकिन फेसबुक पे क्या था, फेसबुक पेज को मोनेटाइज कराने के लिए 10000 फॉलोअर आपके अकाउंट पे होने चाहिए और साथ में 600000 मिनट का वॉच टाइम आपकी वीडियोस पे आना चाहिए, जिसे उन्होंने मतलब अगर घंटों में कन्वर्ट किया जाए तो 10000 घंटे हो जाते हैं, और साथ में आपके अकाउंट पे 5 एक्टिव वीडियोस भी होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया जब आप फुलफिल कर पाते थे तब आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज हुआ करता था। अब इन्होंने इस क्राइटेरिया को थोड़ा कम कर दिया और 10000 फॉलोअर की जगह 5000 फॉलोअर कर दिए और 10000 घंटे, यानी कि वो जो 600000 मिनट है उनको घटा के 60000 मिनट कर दिया, क्राइटेरिया कम कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज अभी भी कॉमन है, 5 एक्टिव वीडियोस अभी भी आपके अकाउंट पे होनी चाहिए, तब आपकी जो वीडियोस हैं उसमें इनएस्टीमेट लगेगा और उससे आपको अर्निंग होगी। तो फेसबुक का जो नया क्राइटेरिया है वो अब ये हो गया है। तो जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना ये था, आईजी एक्सपर्ट का, कि जो बोनसेस है अब वो ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा, अकाउंट में बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाएंगी। और देखो, मैंने वीडियो में भी, पहले की वीडियो में बताया भी है कि आप अपने अकाउंट को कैसे रख सकते हैं ताकि आप बोनस या किसी भी मोनेटाइजेशन फीचर के लिए एलिजिबल हो सके। पुरानी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, सब कुछ बताया डिटेल में। लेकिन बात क्राइटेरिया की हो रही है, तो उनका कहना यह था कि हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाएगा, हो सकता है क्राइटेरिया इसका फेसबुक जैसा भी हो, जैसे फेसबुक पे क्राइटेरिया होता है। तो घुमा फिरा के उन्होंने जो बोला वो यही बोला, क्योंकि कोई भी कंपनी का कोई भी रूल, कोई भी क्राइटेरिया, जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, कोई भी एम्प्लॉय उसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता। तो उनकी बातों से मुझे यही लगा कि या तो फेसबुक का पुराना क्राइटेरिया 10000 फॉलोअर वाला रील बोनसेस के लिए रखा जा सकता है इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज 5000 फॉलोअर, 60000 मिनट का वॉच टाइम, ये रखा जा सकता है। क्योंकि आपने रील में देखा भी होगा, अब रील में ना वॉच टाइम का जो फीचर है वो भी ऐड करा गया इनसाइड में। किस किस को फीचर मिला यार बताना मुझे कमेंट में, और किसको नहीं मिला वो भी बताना मुझे कमेंट में कि आपने एप्लीकेशन को अपडेट किया तो ये आपको फीचर मिला या नहीं मिला, मुझे बताना जरूर कमेंट में। तो ये जो क्राइटेरिया है ये इंस्टाग्राम रख सकता है। अगर फेसबुक का पुराना वाला क्राइटेरिया इन्होंने अगर रखा तो भाई वो थोड़ा टफ हो जाएगा, 10000 फॉलोअर और 600000 मिनट का वॉच टाइम और 5 एक्टिव वीडियोस। और अगर नया वाला रखा तो उसमें 5000 फॉलोअर, 60000 मिनट का वॉच टाइम आपके रील्स पे, वो भी 60 दिन में, और 5 एक्टिव वीडियोस, ये आपके अकाउंट पे होनी चाहिए। पुराना क्राइटेरिया वो थोड़ा ज़्यादा टफ है, नया क्राइटेरिया थोड़ा कम टफ है। लेकिन अगर आपके फॉलोअर कम है अकाउंट पे, मान लीजिएगा 500-600 हैं, अब आप ये सोच रहे हो या डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार मेरे को तो मिलेगा ही नहीं, भाई कंसिस्टेंट होकर आप वर्क करो। सोशल मीडिया पे ग्रो होने का ये सफलतापूर्वक मंत्र है कि आप ना कंटिन्यूअस होकर बिल्कुल लगातार कंटेंट अपलोड करते रहो। जब आप कंसिस्टेंट होकर वर्क करोगे ना, रोज आपने रील पोस्ट अपलोड करनी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट जो लोगों तक पहुंचेगा, और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो फॉलोअर डेफिनेटली बढ़ेंगे। यार आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो फॉलोअर बढ़ेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है यार, सारे क्राइटेरिया पूरे कर सकते हो। यूट्यूब पे क्या मैंने नहीं कर लिया क्राइटेरिया पूरा, तो बस मेहनत करते जाओ। और अगर मोटिवेशन चाहिए भाई, है ना, आपका सही सलाह दूंगा मैं आपको, बस जुड़ के रहो भाई के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय। बस कुछ अच्छा लगा हो तो यार कमेंट जरूर करना, एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलो नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।